मिलन लुथरिया ने साल 1999 में मूवी कच्चे धागे से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, नर्मदा शिरोडकर, सदाशिव अमरापुरकर और गोविंद नामदेव शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16 करोड़ 19 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 23 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2003 में इनकी अगली मूवी आई चोरी चोरी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, रानी मुखर्जी, सोनाली बेंद्रे, कुलभूषण खरबंदा और कामनी कौशल शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी थी। इस मूवी का बजट 7 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ 64 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2004 में इनकी अगली मूवी आई दीवार, लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अमृता राव, के मेनन, सौरभ दुबे और पीयूष मिश्रा शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 21 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13 करोड़ 24 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 20 करोड़ 57 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2006 में इनकी अगली मूवी आई टैक्सी नंबर 9211। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर, समीरा रेड्डी, सोनाली कुलकर्णी, शिवाजी सातम और स्मिता जैकर शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 19 करोड़ 59 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 31 करोड़ 61 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2007 में इनकी अगली मूवी आई हैट्रिक। इस मूवी के लीड कास्ट में परेश रावल, रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर और डैनी शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 करोड़ 81 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7 करोड़ 21 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2010 में इनकी अगली मूवी आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनौत, प्राची देसाई और रणदीप हुडा शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 35 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 82 करोड़ 13 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2011 में इनकी अगली मूवी आई द डर्टी पिक्चर। इस मूवी के लीड कास्ट में विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर और इमरान हाशमी शामिल थे। ये एक बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 31 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 80 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 116 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 2013 में इनकी अगली मूवी आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, इमरान खान, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाली बेंद्रे, महेश मांजरेकर, आकाश खुराना और मुश्ताक खान शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 100 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 61 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 95 करोड़ 19 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2017 में इनकी अगली मूवी आई बादशाहों। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, इमरान हाशमी,
इलियाना डिक्रूज, ईशा गुप्ता, संजय मिश्रा, विद्युत जामवाल और प्रियांशु चटर्जी शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 90 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 78 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 125 करोड़ 44 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2021 में इनकी अगली मूवी आई तड़प। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी, तारा सुतारिया, सौरभ शुक्ला और कुमुद मिश्रा शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 23 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 27 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 34 करोड़ 96 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको मिलन लुथरिया की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। मिलन लुथरिया की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।